तो क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग देखेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे, मूव करेंगे। वी हैव क्वेश्चन है 20 नंबर 4, x minus 3 by 5 minus 2 equal to 2x by 5। बनाने के दो तीन मेथड है, कोई एक मेथड को हम लोग देखते हैं, इजी जो है आसानी के लिए उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब तक आपको सिखाया है कि हम लोग नंबर्स को एक तरफ सेपरेट करना, वेरिएबल को एक तरफ सेपरेट करना, ये इस तरह से सिखाया था आपको, जिस तरह से हम लोग लास्ट दो तीन क्लास में डिस्कस किए थे, सेम उसी पैटर्न को यूज करते हैं। एक्स माइनस थ्री बाई फाइव ये एक टर्म है, ये माइनस टू अगला टर्म है, टू एक्स बाई फाइव ये वेरिएबल वाला टर्म है, इसमें वेरिएबल ये एक टर्म है, वेरिएबल एक्स है, इसमें वेरिएबल है, इस टर्म को इस तरफ लेके आएगा, नंबर्स को इस तरफ लेके जाएंगे। देखेंगे आपको x माइनस थ्री इसी तरफ रखे हुए, 5 का 5 इसको इधर लाए, ये प्लस में है, 2x by 5 ये 2 को इस तरफ ले जाएंगे, 2 माइनस में तो 2 हो जाएगा, प्लस में प्लस आगे लिखा जाता है, ये हमारा इससे आगे का सेंटर। अब इन दोनों का एलसीएम गलत है, 5 5 का एलसीएम आएगा 5, सेम सेम है, लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सेम है, ये ऊपर से ऐसे ही आ जाएंगे, x माइनस थ्री ऊपर से आ जाएंगे, फिर यहाँ से 2x ऐसे आएंगे 2 का। अब देखें x वाले x के साथ ऐड या सेपरेट होंगे, ये और ये भाई भाई, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस x बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 लिखा नहीं जाता 1, और ये माइनस 3 का माइनस 3, ये 5 डिवाइड में है, 5 को इधर ले जाएंगे, इधर आ जाएगा तो इन टू में हो जाएगा 5, ये इस तरह से। यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है, यहाँ पर देखें x, देखें पहले इसको देखेंगे x और ये माइनस 2x, दोनों से x को कॉमन कर लेंगे, x निकाल लेते हैं दोनों से, x को कॉमन कर, इससे और यहाँ कुछ नहीं बचा 1, यहाँ बचा 2, ये 2 में से 1 जाएगा, माइनस 1 एक्स, और माइनस 1 एक्स को लिखते हैं माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग माइनस एक्स और ये 3 को यहाँ 3 लिखा, ये 5 उधर चला गया, डिवाइड होते हैं साथ इधर हो गया इन टू, देखें अब ये हो गया माइनस एक्स माइनस 3, 5 टू जो हो गया 10, ठीक है, इधर है माइनस एक्स, 3 को उस तरफ ले जाएंगे, 3 माइनस में तो 3 हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस एक्स का मतलब होता है माइनस वन, अगर यहाँ माइनस वन लिख ले तो हमारा बहुत अच्छा होगा आने वाला समय के लिए, अदरवाइज माइनस एक्स भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स है ये हो गया, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए था, माइनस को उस तरफ ले जाएंगे यानी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ माइनस हट जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन होता है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इस तरह से होता है कि यहाँ जैसे आया माइनस वन आया आपको यहाँ से, तो यहाँ पर आपको आया ये माइनस वन आया सब्ट्रैक होने के बाद, माइनस वन माइनस थ्री टू इंटू फाइव, ये सेंटेंस को हमने यहाँ लिखा समझाने के बाद, तो माइनस वन इसको उधर ही ले जाएंगे, माइनस वन यहाँ एक्स है, माइनस वन एक्स था, तो माइनस वन एक्स का एक्स ये हो गया, फाइव टू जाए और थ्री को ले गया प्लस, ये हो गया थर्टीन, ये हो गया माइनस वन एक्स, ये माइनस वन को सिर्फ डिवाइड में ले जाएंगे इंटू में है, तो ये माइनस वन नीचे में आपको आ जाएगा माइनस वन, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस थर्टीन हो जाएगा, यही स्टेप होता है यहाँ पर, इन शॉर्ट में कहा जाए इसको शॉर्ट लाइन में कर सकते हैं, माइनस एक्स बराबर 13 है तो माइनस से इधर से हटाना है, माइनस को उधर ले जाना है, इधर प्लस हो जाएगा, यही हमारा एक्स का 13 सोल्यूशन हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस 13 आपका सोल्यूशन हो गया, इसको आप आराम से देख सकते हैं कैसे होगा। अब क्या है सोल्यूशन में आते हैं, यानी कि यहाँ तक हमको सॉल्व करना था, एक सेंटेंस लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस 13 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर उसके बाद सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये हमारा 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमको वेरीफाई भी करना है, वेरिफिकेशन में आएंगे हम, वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ पर सेंटेंस लिखते थे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू x का वैल्यू हमारा कितना आया है माइनस 13 इन द गिवन इक्वेशन कॉमा देने के बाद वी हैव या वी गेट LHS नाम LHS क्वेश्चन के LHS लेफ्ट हैंड साइड ये पार्ट कहलाता है, ये x माइनस 3 बाई 5 माइनस 2, देखो x का वैल्यू हमको रखना है माइनस 13 एक्स के जगह माइनस 13 माइनस 3 बाई 5 माइनस 2, 13 और 3 हो जाएगा माइनस 16, दोनों नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 5 माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 बन जाए 5, ये हो गया सेम, ये हो गया 5, 5 टू जो हो गया जगह नहीं इधर को आ जाते, ये हो गया आपको माइनस 16 माइनस 10 माइनस 26 बाई 5 हो गया।
अब ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल नहीं होगा। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं, आरएचएस हमारा जो वैल्यू है आरएचएस देखेंगे 2x by क्या है 2x by 5 है, x का वैल्यू आपको याद होना चाहिए दोनों इनटू में x का वैल्यू -13 हमको पुट करना है यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे 13 2 होता है 26 माइनस का माइनस हो जाएगा -26 by 5 हो गया। इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है यानी इक्वल आ रहा है देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर का साइन लेंगे LHS LHS इक्वल टू RHS hence verified या verified दोनों में hence verified या verified ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपको 26 हमने भेज दिया था, 25 भी इसी तरह से बन जाएगा आपको 3x by 10 है 14 को ले जाएंगे सॉल्व करेंगे आसानी से बन जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलरली सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम बताएंगे आप नेक्स्ट नो प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम आपको बताएंगे एग्जांपल नंबर लास्ट आपको बताएंगे एग्जांपल नंबर 8 आपको समझाएंगे बुक में कैसे बनाया है क्यों बनाया क्योंकि सीनियर क्लास में 7 और 8 में आने के बाद अब इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एग्जांपल 8 आपके बुक में बना हुआ आप एग्जांपल लेंगे पेज नंबर 142 एग्जाम्पल 8 सॉल्व x by 8 माइनस 1 by 2 इक्वल टू x by 6 माइनस 2 एंड चेक द रिजल्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ तो बनाने का मेथड है पहले बुक में कैसे बनाया हुआ उसको बाद में देखते हैं, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे पहले ये देखते हैं। हम अपने हिसाब से बनाते हैं अपने मेथड से बनाते हैं सोल्यूशन में आते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए वी हैव आपको आना है वी हैव या गिव है क्वेश्चन का हम दिया हुआ है एक्स बाई 8 वन बाई 2 एक्स बाई 6 देखिए एक्स बाई 6 माइनस 2 हमने आपको सिखाया था अब तक कि वेरिएबल वेरिएबल का तरफ कर देना नंबर नंबर सिक्स तरफ करना एक्स बाई 6 एक्स बाई 8 ये वेरिएबल है इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे एक्स बाई 6 हो जाएगा ये इधर आ जाएगा इस नंबर को उधर ले जाकर सेपरेट करेंगे माइनस 2 था ये प्लस में था 1 बाई 2 हो गया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे इन दोनों में डेटा 8 और 6 का एलसीएम आप मिलेंगे 8 और 6 का एलसीएम 2 से लेंगे 4 2 से लेंगे 3 अब और इधर नहीं लगेगा 4 2 जा 8 सॉरी 4 2 जा 8 3 जा 24 आता 24 8 3 जा 24 6 4 जा 24 अब इसके नीचे कुछ नहीं 1 इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 ये हो गया माइनस 4 ये हो गया 1 ठीक है इन दोनों का एलसीएम 2 बार में 2 टाइम्स पर है 4 प्लस 2 1 जा 2 1 1 जा 1 अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से इधर जाएगा और माइनस 1 बचेगा x बाई यहाँ बचा 24 ये माइनस 1 बचा और यहाँ हो गया 3 बाई सॉरी माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 हमको x के वैल्यू निकालना है x के वैल्यू निकालना है इधर देखो उधर जो हमारा बचा है देखो इधर x को अकेला करेंगे इधर से उधर माइनस 3 बाई 2 था हमारा माइनस 3 बाई 2 था इधर माइनस 3 बाई क्या था 2 था ये 24 नीचे में 24 ऊपर में चला जाएगा डिवाइड में इधर इनटू में चला जाएगा ये माइनस 1 x के साथ इनटू में इधर माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा नीचे में अब 2 के टेबल में 24 12 टाइम्स और माइनस 1 से 3 ये ऐसा 3 टाइम्स में कर दिया माइनस आ गया तो 12 3 जा कितना गया 12 3 जा 36 हमारा x का वैल्यू हो गया यानी कि हम लोग लिखेंगे हेल्प x इक्वल टू 36 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चेक करना आपको बहुत अच्छे से हमने बताया था चेक करना कैसे चेक किया जाता है
आप इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे एलएचएस साइड, वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आरएचएस साइड, फिर उसके बाद चेक कर देना एलएचएस बराबर आरएचएस बन जाएगा आपको। ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं ये सेपरेट करके, लेकिन बुक इसको बुक में इस तरह से नहीं बनाया है। आपको समझाने का मतलब है बुक कैसे बनाते हैं और क्यों है? बुक अपने हिसाब से बनाया है और बुक वाला मेथड इस मेथड से ज्यादा अच्छा क्यों है वो बताएंगे आप, ठीक है? यानी इस मेथड से अच्छा बुक का मेथड है, बुक का मतलब सॉल्व एग्जाम। ये इजी है, देखिए मैथ बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, मैथ एक ही मैथ को दो तीन तरह से बना सकते हैं, चार तरह से बना सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कोई यहाँ रूल्स नहीं लगता। मैथमेटिकल रूल्स सही होगा फिर मैथ आपका सही है, आप जैसे बनाओ। अब देखो इसी मैथ को बना रहे दूसरे तरीके, ये हम आपको लिंक इसको भेज देंगे, यूट्यूब पे भी मिलेगा, इसका पीडीएफ भी मिलेगा। इसी को हम बनाते हैं बुक के मेथड से। बुक क्या करता है यहाँ पर इसके बाद देखो, बुक क्या करता है इसके बाद, ठीक है रिजल्ट हटा देते हैं आपको, सिर्फ समझना है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहां तक आने के बाद बुक क्या करता है, दोनों तरफ देखता है, हर तरफ जिसके नंबर में डिनोमिनेटर में नंबर है, जैसे कि x by 8, 1 by 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 6 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1। इन सारे डिनोमिनेटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी नंबर होता है वो एलसीएम लेता है। क्या लेता है? एलसीएम ऑफ 8, 2 एंड 6, इसके नीचे 1 है तो 1 लिखे नहीं, लिख भी सकते थे 6 एंड 1, इज यहाँ पर इज लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा गैप दे दे क्योंकि बोर्ड खराब है। इज एलसीएम ऑफ 8, ये 8, ये 2 और ये 6, अगर इसके नीचे कोई नंबर होता तो यहाँ भी लिख लेते। इन सब का रफ में एलसीएम लेंगे, 8, 2 और 6 का एलसीएम, 2 से हमने लिया 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और नहीं आएगा, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आया एलसीएम 24, कितना आया 24 आ गया। तो अब ये इसके इस टर्म को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना एलसीएम आएगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस टर्म वी मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 24, जो भी एलसीएम आएगा उतना से मल्टीप्लाई। देखो लेफ्ट लेफ्ट साइड और राइट, देखो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एक्स बाय 8 माइनस 1 बाय 2, इधर मल्टीप्लाई किए 24 से, इधर भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बाय 6, और ये 24 एक बार इससे इंटू होगा, एक बार इससे इंटू होगा, 24 इंटू हो रहा है x बाई 8 से, फिर माइनस ये 24 इक्वल इंटू हो रहा है 1 बाई 2, इक्वल टू का इक्वल टू, ये 24 इक्वल मल्टीप्लाई होगा आपको x बाई 6 से, फिर ये 24 मल्टीप्लाई होगा x बाई 2 से, इस तरह से आएगा। अब ये 8 के टेबल में 24 देखो कट जाएगा, 8 के टेबल में 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 के टेबल में 24, 2 1 जा 2, 12 बार में 24, 6 के टेबल में 6, 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4। अब देखेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और x मल्टीप्लाई हो गया 3x, 3x हो गया, 12 1 जा 12 हो गया, इक्वल टू का इक्वल टू, 4 से मल्टीप्लाई हो गया x हो गया 4x, 24 2 जा हो गया 48 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 4 की तरह हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में इस तरह से था। अब इसको इधर आते हैं, ये हमारा रफ वर्क था एलसीएम, इधर देखो सेपरेट करेंगे नंबर्स को, इधर ले जाएंगे वेरिएबल को, इधर लेंगे 3x पॉजिटिव है 4x, तो x को इधर ले आते हैं हमारा पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगा, उधर माइनस 2 12 था, माइनस 48 को उधर ले गए प्लस 48 हो गया। देखेंगे 4x इधर था ऑलरेडी लेफ्ट साइड से, राइट साइड में 3x को लेके आए, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 48 में से 12 जाएगा तो ये बच जाएगा 6, और ये बच जाएगा 30, और ये हो जाएगा 4x में से 3 गया तो बचा 1, 1 लिखा लिया तो x का बचा, x को इस तरफ लिख लेते हैं 36 को इधर लिख लेते हैं, यानी हम लोग लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 36 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हो गया, ये इस तरह से सोल्यूशन था आपका, दोनों तरह से बनाएंगे तो ये फायदेमंद होता है। इसमें क्या होता है, स्टेप कम हो जाता है, जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो दोनों तरफ तो उन सब का डिनोमिनेटर सारे नंबर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम जितना आएगा डायरेक्ट उसके ईच एंड एवरी टर्म को लेफ्ट साइड और राइट साइड जितना एलसीएम आएंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर से सारा नंबर कट जाएगा,
जैसे 8 से 24 कट गया, 2 से कट गया, 6 से कट गया, तो डिनोमिनेटर से नंबर जो होगा उससे हमको आजादी मिल जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में नंबर्स बचेगा नहीं, जिसको आपको एलसीएम लेके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कैलकुलेशन को लेंदी करेगा, टिपिकल करेगा, ये सब अवॉइड हट जाएगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या है, 3x को उधर ले जाओ या 4x को उधर ले जाओ, बाद से में -12 को उधर ले जाओ या -48 को उधर ले जाओ, यानी नंबर्स नंबर्स एक तरफ करना, वेरिएबल वेरिएबल को एक तरफ करना, किसी भी तरह मूव करा लो, एक तरफ सबमिट करना है वेरिएबल के, एक तरफ नंबर को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना है। तो बुक इस मेथड का यूज किया है, एलसीएम निकाला है, उसको मल्टीप्लाई किया है, बुक में ऐसे बना हुआ है, बुक में ऐसे, क्योंकि 7 क्लास और 8 क्लास की बुक में आपको इस तरह से बना हुआ मिलेगा, आपको जब भी मिलेगा वह हम लोग जैसे बना रहे थे ना, एक तरफ सेपरेट करते थे वेरिएबल को, एक तरफ नंबर्स को, वैसे भी हमारा सही है, बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों मेथड सही है, एक और भी एक दो तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होगा आपका सही होगा तो मार्क्स मिलेगा। हम टीचर को लगभग सारे मेथड आते हैं, क्योंकि हम लोग टीचर बने हैं तो मैथ का लगभग सारे मेथड सीख के यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से मैथ बनाएंगे, स्टेप सही होना चाहिए, लिखने का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आपका लिखने का क्या स्टाइल है, कैसे लिख रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो आपको जब स्टेप मार्किंग सही होगा तो मार्किंग हम लोग पूरा पूरा करते हैं। स्टेप नहीं लिखेंगे आप, जहाँ पर नेसेसरी स्टेप है जो लिखना जरूरी है नहीं लिखते, तो हम लोग मार्किंग में नंबर काटते हैं, अदरवाइज नंबर हम लोग शौक से कभी नहीं काटते, नंबर ये सब क्लास में इसलिए काटा जाता है और कॉपी आपको दिखाया जाता है कि आपको बेनिफिट मिल जाए कि क्लास 10 में जब बोर्ड एग्जाम देंगे या 12 में जब बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको स्टेप मार्किंग की आदत रहे बनाने की, अदरवाइज क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, डायरेक्ट ये क्वेश्चन है ये स्टेप लिखे और ये स्टेप लिखे, आंसर कंप्लीट, ये सेंटेंस लिखता है नहीं, बहुत सारा बच्चा तो बस x=36 यहीं पर आंसर कर दिया, ये सेंटेंस नहीं लिखता, ना वी है कोई लिखता है, ये सब स्टेप नहीं लिखता, तो बहुत सारे बच्चे का बहुत सारी कमियां जिसको दूर किया हम लोग 6, 7, 8, 9 तक में हटाते हैं आपको, आपको रिफ्रेश बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट तैयार कर देते हैं आपको, तो ये आदत बनाना पड़ेगा आपको, और आदत एक दिन में बनता नहीं है, धीरे धीरे आपको आएगा। तो आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 8 में कोई डाउट आपको यहाँ तक में नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको है इसके बाद व्हाट प्रॉब्लम है, व्हाट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग मूव करते हैं।